चल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। आज फिर से आप लोगों के लिए लेट नाइट शूट जो है हम लोग लेके आ रहे हैं। लेकिन लेट नाइट शूट क्यों होता है, क्योंकि वर्किंग जब बहुत ज्यादा होती है तो थोड़ा सा टाइम जो है वो हम लोगों को लग जाता है। आज हमारे पास कौन सी गाड़ी है प्रिंस? आज हमारे पास ऑडी A6 है। कौन से साल की है? ईयर ऑफ द कार आई एम नॉट वेरी इन्फॉर्मड विद द हिस्ट्री ऑफ द, ठीक है, वो हम अंदर पूछ लेंगे अभी। एक बार मैं भैया विल बी बेटर द पर्सन टू गाइड। सो भैया, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि गाड़ी में हमने क्या क्या एडिशन करे हैं। आज हमने इसमें एंड्रॉइड इंस्टॉल किया है, एज वेल एज वी हैव इंस्टॉल्ड इंटीग्रेटेड 360 इन द कार। ठीक है, इंटीग्रेटेड 360 लगाया ताकि हम इसकी टच से स्टीरियो को इसको कंट्रोल कर सकें। और फ्लिप इन फ्लिप आउट वाला यूनिट होता है इस गाड़ी के अंदर में, जो बेसिकली क्या होता है, जो हमने दिखाया था बहुत हिट भी था काफी। हाँ जी, इन डैश यूनिट होता है गाड़ी के अंदर, उसके अंदर हमने 360 इनेबल किया और 360 पूरा टच से हम इसका कंट्रोल करेंगे गाड़ी के अंदर, बिकॉज दिस इज सेडान कार इस गाड़ी के अंदर। और अभी लंबी गाड़ी है। हाँ, लंबी गाड़ी है तो ड्राइव करने में सर को काफी डिफिकल्टी होती थी, बट नाउ आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ 360 दैट विल बिकम वेरी इजी। अच्छा, इसी के साथ में एम्बिएंट लाइट भी है इसके अंदर? जी, एम्बिएंट लाइट भी है इसके अंदर गाड़ी के अंदर में। चलो भाई, आप लोगों को वर्किंग दिखाऊंगा। अभी हम लोग जो है हमारी कैलिब्रेशन के लिए आए, जैसा हम लोग आप लोगों को 360 में दिखाते हैं। सो अभी हम लोग जो है गाड़ी के अंदर की तरफ में चलते हैं। ठीक है, अंदर जो है भाई हमारे वर्किंग जो है आप लोगों को करते हुए देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये गाड़ी है 2020 मॉडल, राइट? 2020 है कौन सी? नहीं सर, 2020 नहीं, वो स्टिकर गलत लगा अभी। अच्छा, 2012 मॉडल है। अच्छा, 2012 में, वो सोचा 2020 मॉडल का मैं देख रहा था, 2012 मॉडल है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने एम्बिएंट लाइट वाली जो वर्किंग है वो पूरी पूरी यहाँ पर कंप्लीट करी है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो डैशबोर्ड में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग जो है अपने कैलिब्रेशन के प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सबसे मेजर चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसके बारे में ऑडियंस को भी बताएंगे, तो इसके जो साइड मिरर है इसमें शीशा नहीं है, इसका रीजन? इसका रीजन के शीशा इसका जो है लगाते समय टूट गया था मेरे से। ठीक है, हम कस्टमर को दूसरा जनवरी शीशा मंगा के देंगे, कल सुबह आ जाएगा। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप लोग कैमरास के बारे में बात करते हो तो आप लोगों को कैमरास देखने को मिल जाएंगे। बहुत बारी वीडियो में दिखाया है, सेम चीज दिखा देगा कि हम भी बोर नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, सबसे पहले भाई जरा ये स्टीरियो दिखाओ, कैसे ऊपर जाता है कैसे नीचे जाता है, पहले ऑडियंस को वो चेक करो। आपको जैसे पहले भी दिखाया था, सेम अंदर जाना और सेम बाहर आना। वेरी नाइस भाई, तो कस्टमर ने ये गाड़ी प्री ओन खरीदी है, कैसा क्या? सर, कस्टमर जो है ये हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। वेरी नाइस। तो गाड़ी खरीदने से पहले मेरे पास आए थे। ठीक है, तो मुझे कहते दिलीप मैं BM सोच रहा हूँ, एक तो 3 सीरीज या A6 सोच रहा हूँ ये वाली, या फिर मर्सिडीज सी क्लास सोच रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने कहा एक काम कीजिए सर, आप मार्केट में जाइए पहले, कौन सी आपको बेस्ट लगती है जो इस बजट में आपको जिस लेना चाहते हो। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा A6 ले लूँ ये वाली, क्या इसका सिस्टम है अपने पास में, आप लगा सकते हो? मैंने कहा बिल्कुल सर, डेफिनेटली आप लीजिए, मैं इसमें सिस्टम लगा के दूंगा और प्रॉपर सारे काम करके दूंगा। तो मैंने इसमें सिस्टम लगा के दिया, कल गाड़ी आई थी शाम को मेरे पास, मैंने टेस्ट किया, सिस्टम ओके, परफेक्ट काम कर रहा था। मैंने फिर सर बोला रात का टाइम है, मॉर्निंग में हम आइए, बाकी सारे काम हम अगले दिन करेंगे। तो इसलिए फिर अब कस्टमर आए, कस्टमर ने सिस्टम फाइनल किया, लगा दिया, फिर कहते हैं कि और क्या हो सकता है इस गाड़ी में। मैंने कहा सर ये सिस्टम कंपैटिबल है, टच स्क्रीन, 360 डिग्री कैमरा, मतलब ये जो अभी चीज हम दिखाने वाले हैं, ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइस, हाइपरसोनिक इज डूइंग समथिंग डिफरेंट। वो चीज आप, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि वो एंड्रॉइड दिखाते हैं, लेकिन जो बंदे को जेन्युइनली इस गाड़ी के अंदर कुछ कराना होगा ना, उसके लिए ये रामबाड़ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर कस्टमर ने बोला मुझे कि मेरे को इसके अंदर एम्बिएंट लगानी है। ठीक है, तो मैंने कहा सर मैं इसके अंदर K3 या K4 लगा सकता हूं। अपनी स्पेशल वाली आने वाली है, हाइपरसोनिक विद एक XZ जो आपका ब्रांड है उसके साथ आने वाली है, आप लोग को बहुत जल्दी अपडेट करेंगे। आप लोग सोचोगे कि मैंने इसमें ऑप्टिकल क्यों लगाई है। ठीक है, एक बार दिखा देता हूं मैं। क्यों नहीं लगाई मैंने? देखो भाई, ऑप्टिकल वाली है। ठीक है, क्यों नहीं लगाई मैंने K3 या K4 क्यों नहीं लगाई? इस गाड़ी में अगर K3 K4 लगाता तो उसकी स्ट्रिप इतनी आती है, मैक्सिमम इतनी आती है। ठीक है, इसके दरवाजे इतने बड़े बड़े। नहीं, दरवाजे की बात छोड़ो, दरवाजे तो कोई लगवाता है। ठीक है, मैं इसे यहाँ लगाता। ठीक है, मुझे अच्छी नहीं लग रही यहाँ पे। फिर मैंने कस्टमर से बोला कि मैं इसमें ऑप्टिकल लगाता हूँ, ऑप्टिकल की कोई लिमिट नहीं होती है। मैंने ऑप्टिकल लगाई फिर पूरी। वेरी नाइस भाई। ठीक है, अभी लाइट चेंज, किसका कलर चेंज कैसे होता है? अभी तो सर मैं बटन ये फिक्स करूंगा। क्या भाई, क्या क्या बढ़िया लग रहा है, देखो ऐप से कंट्रोल होती है। ठीक है भाई, अभी आप लोगों को पूरा मैं चेकआउट कराऊंगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, अब जो है मेजर चीज की तरफ आते हैं। स्टीरियो तो हम लोगों ने इसमें अपग्रेड कर दिया, अगेन इसके बारे में नॉलेज आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस में दी है, बार बार सेम चीज दिखा के हम लोग भी आप लोगों को बोर नहीं करना चाहेंगे। अभी इसकी पहले कैलिब्रेशन कर लेते हैं एक बार ना, कैलिब्रेशन कर लेते हैं, फिर स्मार्ट की भी दिखाएंगे हम इसको। स्मार्ट की में भाई, इसकी स्मार्ट की अभी चार्ज हो रही है, जितने लोग इस चीज का इंतजार थे। यार क्या मेरी एक्सयूवी के लिए भी बन सकती है? वो स्टार्ट है ना गाड़ी आपकी, बन जाएगी सर, यार मजा आ जाएगा। मतलब और इसकी कितनी बैटरी लाइफ होती है भाई, कितनी चल जाती है बैटरी? सर एक बार अगर आप चार्ज होने में इसको लगता है, सर रात को आपने चार्ज पे लगा दी, ठीक है, तो पांच और अगर बैटरी खत्म भी हो जाए तब भी लॉक अनलॉक तो हो जाता है? लॉक तो होता ही है, बिल्कुल होता है, गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं मैनुअल। फील आपको, फील जो है ना भाई वो प्रीमियम आनी चाहिए, वो इसके साथ आपको मिल जाती है। कैसी लग रही है वीडियो जरूर हम लोगों को बताना। मैंने बोला मुझे कलर ऑप्शन दो, मैंने कहा आपकी गाड़ी में सिल्वर ट्रिम है सारी जगह पे, तो आप सिल्वर चूज करो। बहुत बढ़िया, हमारे प्रिंस भैया अभी वापसी आ चुके हैं। प्रिंस भैया, सबसे पहली चीज मैं कॉन्ग्रेट्स बोलना चाहूंगा भाई कि अपने नए नए प्रोडक्ट जो है वो काफी मार्केट में धूम मचा रहे हैं। दूसरी चीज, ये प्रोडक्ट ना आए हुए 1.5 साल हो चुका है प्रिंस के पास। बिल्कुल भाई, इसको क्यों नहीं दिखाते हम लोग? हां, इसको दिखाते क्यों नहीं है? इसको दिखाते क्यों नहीं है?
सब वही पॉइंट है कि एट द टाइम की आपकी अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, ये सब कुछ मेरे ऊपर डाल देता है, आपकी अवेलेबिलिटी नहीं है, सब कुछ मेरे ऊपर डाल देता है, एक साथ होना चाहिए ना, सही टाइम पे सही प्रोडक्ट। ठीक है भाई, और भाई क्या यार, क्या तगड़ी चीज लग रही है भाई, ये यहाँ से ऑन हो जाएगी, ऑन कर रहा है भाई, लोकल लॉक वगैरह, बूट वगैरह सारे फीचर्स है, चार्जिंग पूरा फोन वाले फील दे रही है यार। जी सर, तो इसको अभी मतलब इसमें, अच्छा इसमें लॉक अनलॉक ऐसे हो गए, यहाँ से मैनुअल भी है, टच भी है। चलो भाई अभी आपको दिखाऊंगा, ये दिखाना है भाई, याद रखना बस, ठीक है। अब हम करते हैं इसकी कैलिब्रेशन, फिर सीधे आप लोगों को मिलते हैं। यहाँ पर जो है हम लोगों का पूरा कैलिब्रेशन वाला प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है। प्रिंस भैया यहाँ पर इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बना रहे हैं और मैं जो हूँ आप लोगों को यूट्यूब के थ्रू जो है वीडियो दिखा रहा हूँ। रात के टाइम पे इतना जस्टिस कोई नहीं करके आपको दिखा सकता। अब हम लोग बात करते हैं मोड्स के बारे में, क्या क्या मोड्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग 360 का पूरा व्यू जो है इसमें चेकआउट कर सकते हो। और ये आपकी स्क्रीन गई अंदर, और अब आपकी स्क्रीन जो है भैया ने निकाली बाहर। ये आप लोगों को हम लोग क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा फ्लेक्स करना चाहते हैं कि हाइपरसोनिक से अगर आप कुछ भी लगाते हो तो आपको 0-0 वर्किंग वाइज जो है देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर आप लोग व्यू के बारे में बात करते हैं, ये है आप लोगों का, पहले कहाँ से दिखा रहे हो, फ्रंट से दिखाओगे? ठीक है, ये आप लोगों का टायर का कटते हुए का व्यू आप लोगों को जो है देखने को मिल रहा है, और सुपर क्लियर है। स्क्रीन छोटी है तो उसका प्लस पॉइंट ये है कि आप लोगों को क्लैरिटी और अच्छी ज्यादा जो है देखने को मिलती है। फ्रंट और रियर का लुक ये है, साइड की प्रोफाइलिंग्स आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। दिस इज हाउ द 360 वर्क्स, और आप लोगों को पूरी वर्किंग इसमें जो है देखने को मिल रही है। अब मैं जो है दिलीप भाई से चाहूंगा, पहले हम 2D मोड को एक बार क्लिक करेंगे। ठीक है, 2D मोड में, ठीक है, ये आप लोगों का 2D है, लेफ्ट राइट, ठीक है, फ्रंट, फ्रंट का एक एंगल है, फ्रंट का दूसरा एंगल है, ये वेरी नाइस, रियर है, ठीक है, ये फ्रंट आ गया आपका, साइड से हो गए, ठीक है, ये रियर आ गया आपका, रियर के टायर है, वेरी नाइस, ये फ्रंट का पूरा वाइड एंगल आ गया, वेरी नाइस, ये रियर का वाइड एंगल, ठीक है। अब हम 3D की तरफ चलते हैं, 3D में तो ये पैनोरमिक व्यू हुआ पूरा, ठीक है, ये आप लोग व्यू चेकआउट कर लीजिए। ऑप्शन होता है गाड़ी जब आप स्टार्ट करो, पहले आपको ये व्यू दिखाए ताकि आपको पता लगे कोई कुत्ता, बिल्ली, बच्चा कुछ ना खड़ा हो आसपास, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे तो ये फ्रंट हो गया 3D में, ये रियर हो गया 3D में, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये रियर का लेफ्ट हो गया, ये रियर का राइट हो गया। कैसा लग रहा है? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, प्लीज जरूर बनवाइएगा, ठीक है। और भाई क्या अमेजिंग चीज आप लोगों को होके मिली है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। इसके लिए वर्किंग करनी है, अभी आप लोगों को हम लोग बताएंगे कैसे क्या चल रहा है। तो प्रिंस भैया सबसे पहली चीज जो ऑडियंस जानना चाहती है, थोड़ी मैं ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ भैया के ऊपर, ठीक है, कि भाई जो लोग इस वर्किंग को कराना चाहते हैं, अब भाई बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम भी ये वर्किंग कर देंगे, हम भी ये सब कुछ कर देंगे, चीज अपने पास से जा रही है? हाँ भैया, मोस्टली जो है कि जो लोग कर रहे हैं, मतलब इस टाइप का काम कर रहे हैं, मोस्टली वर्किंग 10 out of 7 पीपल वी आर डीलिंग, 10 out of 9 हो गया भाई, अब तो 9 हो गया भाई, चलो 70% ठीक है, इंडिया में हम लोग ही कर रहे हैं ये वाला काम, वी आर इन टू दिस टाइप ऑफ बिजनेस, एंड जो क्वालिटी वगैरह हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन कर रहे हैं इस गाड़ी के अंदर में, बिकॉज दीज आर ऑल कॉम्प्लिकेटेड इंस्टॉलेशन, स्टीरियो की मैकेनिज्म पूरा अंदर होना, बाहर होना गाड़ी की, उसके बाद में आपको पूरा एक मॉड मिल जाता है गाड़ी के अंदर, दैट यू कैन प्ले वीडियोज, यू कैन यूज यूट्यूब, तो एक बहुत बड़ा फीचर मिल जाता है गाड़ी के अंदर, ओरिजिनल फीचर सारे के सारे आपकी गाड़ी के एक्टिव रहते हैं। ठीक है भाई, ये सारी वर्किंग जो है ये हाइपरसोनिक क्लब ने करी है। अब यहाँ पर मैं थोड़ी लाइटिंग जो है कम करके आप लोगों को जान पूछ के दिखा रहा हूँ, लेकिन भाई वर्किंग वाइज अगर आप लोग बात करते हो, हाइपरसोनिक से अच्छा कोई काम नहीं कर सकता, ये मेरे को 120% पता है। अब प्रिंस भाई एक चीज बताओ, जैसे इसका जो इंडिकेटर हमने लेफ्ट डाला, देख रहे हो भाई आप लोगों को, अब इधर जस्टिस नहीं हो रहा होगा, ये देखो मैं थोड़ी ब्राइटनेस जो है इधर से कम करता हूँ, ये आपका लेफ्ट में आया, जैसे मैंने राइट का इंडिकेटर डाला राइट का आ गया, लेफ्ट का डाला लेफ्ट का आ गया, ठीक है। आपको 2D और 3D मोड दोनों के दोनों इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। प्रिंस भैया की को यूज करके दिखाओगे, जो आप लोगों की आती है इसके मैं आप लोगों को फीचर्स बताया था। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ की तरफ देखोगे, तो इसको अगर आप लोगों ने ऐसे करके दबाया तो आप लोगों को मेन फीचर जो है इसमें देखने को मिल जाएंगे, स्लाइड टू अनलॉक लिखा हुआ है, जैसे आप लोग अनलॉक का बटन दबाते हो, ठीक है भाई। सबसे पहले आप लोगों को मैं लॉक वाली चीज जो है वो दिखा देता हूँ, देखो ये आप लोगों की लॉक हो गई, ठीक है भाई, लाइटिंग हमारी पूरी बंद हो चुकी है, एज सुन एज हम लोग अनलॉक का बटन दबाते हैं लाइटें आप लोगों की चल गई है। नेक्स्ट ऑप्शन जो इसमें आता है वो आता है आप लोगों का बूट ओपन करने का, ठीक है भाई, बूट ओपन जो है वो आप लोगों का हो गया, मेरे को खोलना नहीं आ रहा था भाई, ठीक है भाई ने खोल के दिखा दिया, ठीक है। ये की का क्वालिटी है, क्वालिटी वाली पड़ेगा तो बताना पड़ेगा, गाड़ी के ओरिजिनल चाबी को दबाना पड़ता है, देखो भाई अनलॉक है, ये आपका लॉक है, ये बटन आप लोगों को ऐसा भी मिल जाता है ऐसे वाला, ये आप लोगों का जैसे आप लोगों ने अनलॉक दबाया अनलॉक पे आपका चल जाएगा, और चार्जिंग के बारे में सब कुछ बता दिया। अब मेन स्टीरियो की तरफ में आते हैं कि आप लोगों को जो है इसके अंदर कैसा वीडियो की क्वालिटी और कैसा क्या देखने को मिलता है। सो गाइज यहाँ पर जो है आप लोगों का ओरिजिनल मेन्यू ऑडी का जो है हमारे जो ओरिजिनल स्टीरियो का मेन्यू है पूरा काम कर रहा है, ओरिजिनल स्टीरियो हमारा टच से काम नहीं करेगा। मैंने आपको बताया था बूट के टाइम पे पहले 360 दिखाएगा, गाड़ी स्टार्ट हुई 360 आ गया इसमें, ठीक है, इसको आप बंद कर सकते हो ऐसे, आप यहाँ से बंद हो जाएगा पूरा ये, ठीक है, ये आप जो स्टिक के थ्रू इसको यूज कर रहे हो, MMI मोड हम एंटर कर सकते हैं, ये गाड़ी का ओरिजिनल सीरियो का मोड है, ये पूरा का पूरा जो है ओरिजिनल जो इंफोटेनमेंट आपका पूरा का पूरा इसमें काम करेगा, ये वाला ओरिजिनल मेन्यू जो है आप इसको टच से यूज नहीं कर सकते, आप टच पे क्लिक करोगे गाड़ी बैक चली जाएगी, टच करना एक बार
आपका एंड्रॉइड मेन्यू खुल जाएगा। अब आप वीडियो क्वालिटी कर सकते हो, बाकी आप पूरा टच से यूज कर सकते हो इसको। डिलीवर पे वीडियो क्वालिटी चेक कराना, सीधा वीडियो क्वालिटी और ये आपका फुल एचडी है प्रिंस, फुल हाई डेफिनेशन। एंड दिलीप भाई मैं आप इसमें ऑडियो भी चला के दिखाता हूं, रिवर्स गियर डाल के ऑडियो मैं स्ट्राइक आएगा भाई। ठीक है वैसे दिखा दो, गाना चल रहा है। हां गाना चल जा रहा है और नेविगेशन हो गया आपका ये। ठीक है इसमें वो आता नहीं है कुछ जैसे वो स्पीडोमीटर टाइप? हां बिल्कुल आता है सर, दिखा दो। बिल्कुल आता है, ये आपका हो गया डैशबोर्ड इसका, ये पूरा डैशबोर्ड है इसका। वेरी नाइस, और हैंड ब्रेक लगा हुआ है आरपीएम के साथ में जितना बढ़ना है, सेफ्टी बेल्ट हटी हुई है। वेरी नाइस, दरवाजा अगर आप लोग खोलते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको पूरी इसमें जो है अवेलेबल हो जाती है। बंद भी कर सकते हो आप। ठीक है इसमें एमिन लाइट वाला तो ऑप्शन है नहीं, तो वो बस ऑप्शन दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी ऐप्स होगी इसकी सारी, यूट्यूब वगैरह आपको जो भी चाहिए आपको सब यहाँ से ओपन होगा। परफेक्ट है। इस 2D मोड में आप लोगों को जो है हम लोग रिवर्स कैमरा भी चेक करा देते हैं। सो देयर यू गो, आप लोगों का रिवर्स कैमरा का क्वालिटी कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा विद आप लोगों का ट्रेजेक्ट्री लाइंस, आप लोगों के स्टेयरिंग की मूवमेंट के साथ में पूरा का पूरा आप लोग देख सकते हैं। भैया यहाँ पर मूवमेंट करेंगे तो आप लोगों को वहाँ पर भी जो है वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती हुई देखने को मिल जाएगी। ठीक है अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो एक बार आप वो दिखा दीजिए कि 2D मोड के अंदर जब आप इंडिकेटर्स देते हैं तो आपको क्या व्यू देखने को मिलेगा। ये आपका लेफ्ट है, ये राइट है। ठीक है और आई गेस जस्टिस जो है वो हम लोगों ने पूरी की पूरी कर दी है। की भी दिखा दी आपको, हर चीज़ दिखा दी। इस गाड़ी में जो हम लोगों ने एम्बिएंट लाइट लगाई है वो हाइपरसोनिक की ऑफिशियल है। आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग यही चीज़ लगाइए। ब्लैक जो हम लोगों का ये आता है ना भाई, जो कहते हैं कि भैया फाइबर जो है ब्लैक कलर का होना चाहिए, एक तो हिडन होता है साथ ही साथ में इसकी क्वालिटी बहुत प्रीमियम है। प्रिंस भैया जो है वो आप लोगों को पीछे जो है बैठ के अगर आप लोग देखेंगे, ठीक है भाई, कलर्स का चेंज आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इवन भाई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो ये कलर कॉम्बिनेशन हम लोगों ने थोड़ा सा रेनबो कर दिया, प्लीज़ माइंड मत करना, यहाँ पर भी एक टच बनाया था हम लोगों ने। ठीक है कलर ज़्यादातर जो है लाल भी काफ़ी लोगों को पसंद होता है, ब्लू भी पसंद होता है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं। ये सारी वर्किंग जो करी है भाई ये हमारे हाइपरसोनिक की टीम ने करी है और हाइपरसोनिक क्लब जो है वो इसके लिए लाइबल है। ओके गाइस, तो आई होप कि आप लोगों को जो है व्लॉग पसंद आया। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है या फिर आप लोग इस तरीके की वर्किंग अपनी गाड़ी में कराना चाहते हैं, आप लोग जा सकते हैं हाइपरसोनिक क्लब जो कि करोलबाग के अंदर सिचुएटेड है। आप लोगों को लोकेशन नंबर जो है वो फ्लैश होता हुआ देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। वेट किस चीज़ का कर रहे हो, आज ही अपनी गाड़ी में ये चीज़ इंस्टॉल कराओ। चाहे वो प्रीमियम गाड़ी, चाहे मिक्स सेगमेंट हो, चाहे आप लोगों की SUV हो, सब गाड़ियों के लिए हमारे पास सॉल्यूशन है। अगर आज के वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम मुसाफिर तगैरा, फेसबुक मुसाफिर कास्ट। आज के ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।